बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DRP डेजर्ट रोज साइकिल्स। टुडे इज द सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी इज अप्लाइड काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड माई सेल्फ खदीजा मूवी। एंड टुडे इज द टॉपिक ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी इज इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज इन काउंसलिंग अ फ्रेमवर्क फॉर थ्योरीज इन काउंसलिंग। And the first question is, what is intervention strategy in counseling? Counseling interventions have been defined in professional literature as a unique interrelationship between a client and a counselor, which aims to create a change and a growth in three main areas: personal development, social adjustment, and professional development. बेसिकली जो हमारे पास काउंसलर होते हैं इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलर का काम क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को किस तरह से मोटिवेट करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसे चीज़ों के हवाले से कैसे आगाही करता है। काउंसलिंग इंटरवेंशन जो है बेसिकली डिफाइन करती है रिलेशनशिप दो लोगों के दरमियान, क्लाइंट के और काउंसलर के। अब काउंसलर का मकसद क्या होता है कि वो जो भी उसका क्लाइंट है उसके बिहेवियर को मोटिवेट करे, चेंज करे, उसकी डेवलपमेंट करे, उसकी ग्रोथ करे और उसके जो भी एम्स होते हैं उनको चेंज करे, उसमें मोटिवेशन लेके आए, चेंजिंग पॉजिटिव चेंजिंग वो लेके आए जिससे वो मोटिवेट होकर अपने लिए कुछ कर सके, अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ सके। अब जो इसमें तीन मेन एरियाज आ जाते हैं जिनमें पर्सनल डेवलपमेंट आ जाती है, सोशल एडजस्टमेंट आ जाती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आ जाती है। पर्सनल डेवलपमेंट से ऑल ऑफ उसकी सारी डेवलपमेंट आ जाती है कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह से चीज़ों को परसीव करना आना चाहिए, किस तरह से उसे अपने लिए अपनी कामयाबी की राहें हमवार करनी चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट में वो किस तरह से काउंसलर उसकी काउंसलिंग करता है कि वो किस तरह से इजीली अपनी सोसाइटी में एडजस्ट हो सके, लोगों को समझे, बहुत ज़्यादा क्राउड देख के पैनिक ना हो जाए करे। तो सोशल एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है एक इंसान के लिए। प्रोफेशनल डिवेलपमेंट में आ जाता है कि उसको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल लॉयल हो, ऑनेस्टी हो उसमें, और अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए वो न्यू टेक्निक्स यूज़ करे जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, जो उसके प्रोफेशन में उसके लिए काम आ सके। सेकेंड इज़ व्हाट आर दी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स फॉर काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में किस तरह के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The six methods of counseling can also be referred to as theories. The six major theories are cognitive, behavioral, humanistic, psychoanalytic, holistic, integrative, and systemic. Six method of counseling is very important for every individual because ये जो method हैं counseling के, ये इंसान के लिए इसलिए ज़रूरी हैं कि इससे जो एक काउंसलर होता है वो अपने क्लाइंट की जो कॉग्निटिव कंडीशन होती है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी उससे उसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ईच एंड एवरी थिंग, हर चीज़ को वो उसके लिहाज से काउंसलिंग करता है। जो भी उसका क्लाइंट है उसको जिस लिहाज से भी इन सिक्स मेथड में से भी किसी एक मेथड की ज़रूरत है। तो कॉग्निटिव उसकी जिस तरह से भी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी है उसके हवाले से उसकी काउंसलिंग करता है, उसके बिहेवियर को बहुत अच्छा बना देता है विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग। साइको एनालिटिक, होलिस्टिक और सिस्टमिक में उसका आ जाता है कि उसका साइकोएनालिसिस करते हैं, उसका जो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर जो भी है, ये जितने भी इसमें ये थ्योरीज हैं ये पूरे उस क्लाइंट्स पे अप्लाई की जाती हैं जिस हवाले से उसे इनमें से किसी भी एक थ्योरी की अगर ज़रूरत होती है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास इन थ्योरीज के जो नेम्स लिए गए हैं जिनमें हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियर, ह्यूमनिस्टिक, साइकोएनालिटिक, होलिस्टिक, इंटीग्रेटिव एंड सिस्टमिक आ जाता है, इनमें से पहली थ्योरी के बारे में जो चीज़ हमें समझ आती है कि जो एक काउंसलर होता है वो कॉग्निटिव थेरेपी में क्या करता है। बेसिकली वो करता है, जो भी काउंसलर है वो कॉग्निटिव काउंसलिंग उसकी किस तरह से करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉग्निटिव काउंसलिंग थ्योरीज हैं वो किस तरह से हेल्प आउट करती हैं किसी भी इंसान की, कि उसके जो भी
लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं साइकोलॉजिकली से रिलेटेड और इमोशनल डिफ़िकल्टीज होती हैं, जो भी इंसान इन चीज़ों में फेस कर रहा होता है, जब वो इन चीज़ों के बारे में सोचता है, उन चीज़ों को फेस करता है, तो समटाइम्स क्या होता है कि उन चीज़ों से वो लड़ नहीं पाता, उनको फेस नहीं कर पाता। ऐसे में वो एक अच्छे से काउंसलर की अपनी काउंसलिंग के लिए उसके पास जाता है, कि जो भी वो काउंसलर है अपने क्लाइंट को गाइड करता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसे इन चीज़ों से निकालने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन। बिहेवियर काउंसलिंग में हमारे पास आ जाता है कि जो एक काउंसलर है वो बिहेवियर काउंसलिंग थ्योरी को यूज़ करते हुए लोगों के जो भी लोग मतलब कि इंगेज होते हैं प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग में या बिहेवियर्स में, जब वो मतलब कि इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं और उन लोगों को किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है प्रॉब्लमेटिक थिंकिंग का अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए, या बिहेवियर कुछ इस तरह के होते हैं जो कि उन्हें अपने इन्वायरमेंट में नज़र आते हैं और वो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एक इन्वायरमेंट में वो इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, या फिर व्हेन एन इन्वायरमेंट इन्फोर्सेस और इनकरेजेस दिस प्रॉब्लम, दे विल कंटिन्यू टू अकर। अब काउंसलर का काम क्या होता है कि वो उन चीज़ों से उन उन उनको इन इस नेगेटिविटी से कैसे निकालता है विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट और इनकरेज, कि वो उन लोगों को उन प्रॉब्लम से निकालने के लिए इन दो चीज़ों का यूज़ करता है, उनको रेनफोर्सेस का मतलब कि रेनफोर्सेस के थ्रू उन्हें गाइड करता है। उसमें जो भी रेनफोर्समेंट की जो टेक्निक्स आ जाती हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको अप्लाई करता है और उनको इनक्रेज करता है कि वो अपने आप को इन प्रॉब्लम से निकालें। वो ये इंसान के लिए कभी भी कुछ ऐसा मुश्किल नहीं होता कि वो कुछ भी ना कर सके, अपने आप को मुश्किलों से ना निकाल सके उन चीज़ों में, या उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लें। लेकिन जब एक इंसान को अच्छा गाइड करने वाला मिल जाता है एज अ काउंसलर, कोई भी उसे अगर मिलता है वो उसको गाइड करता है, उसको मोटिवेट करता है, तो एक इंसान चाहे जितना मर्ज़ी मुश्किलों में घिरा हुआ हो, जितनी मर्ज़ी उसे नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी हो, लेकिन जब वो किसी अच्छे बंदे के थ्रू उसकी बातों से उसकी गाइडेंस से अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है, क्योंकि उसकी बातों में कहीं ना कहीं ऐसी मेडिसिन शामिल होती है कि वो उसके जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी भी तकलीफ़ होती है उसको, जितना भी वो होपलेस हो गया होता है, कहीं ना कहीं उसकी बातें उसकी गाइडेंस उसको दोबारा से मोटिवेट करके एक अच्छे मुकाम पे ले जाती है, जिससे वो उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आप को उस इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बना लेता है। जितने भी हर्डल्स उनकी लाइफ में आते हैं उनको ईजीली फेस करता है, ना कि गिव अप करके डर के कहीं बैठ जाता है। ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग थ्योरीज में हमारे पास ये आ जाता है कि जो लोग हैं, पीपल हैव विद इन सम सेल्व्स देम सेल्व्स ऑल द रिसोर्सेज, अब जो भी उन्हें उनकी ज़िंदगी ज़रूरियात जीना है उसके लिए उन्हें हेल्दी लाइफ चाहिए, हेल्दी एंड फंक्शनल लाइफ मतलब कि जीने के लिए उन्हें चीज़ों की ज़रूरत होती है, ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की, सांस लेने की, हवा की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज काउंसलिंग थ्योरी में आ जाता है कि वो जो एक काउंसलर है किस तरह से जो भी उसकी लाइफ में होने वाली रिस्ट्रिक्टेड और अनअवेलेबल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से सॉर्ट आउट करता है। नेक्स्ट हमारे पास था साइको एनालिटिक काउंसलिंग थ्योरी में आ जाता है कि किस तरह से उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जो भी प्रेजेंट डे से रिलेटेड उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, चाहे वो फिर अनकॉन्शियस हो या कॉन्शियस हो, उसकी साइकोलॉजिकल जो ड्राइव्स हैं और या फिर जो भी उसका मोटिवेशन स्ट्रीमिंग है, किस तरह से उसके पास्ट रिलेशनशिप्स पर और उसके एक्सपीरियंसेस पर इन्फ्लुएंस करता है। सिस्टमिक काउंसलिंग थ्योरी में हमारे पास ये आ जाता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसमें काउंसलर क्या करता है अपने क्लाइंट के साथ, कि जो भी है उसका क्लाइंट उसको अपने इन्वायरमेंट में होने वाले जो भी मतलब के सोशल सिस्टम जो भी है उसमें किस तरह से वो उसके ऊपर आने वाले उन प्रेशर्स को अपनी ज़िंदगी में उसके मतलब कि उन प्रेशर्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है,
और इसमें जो उसकी बेसिकली आ जाती है, उसकी थिंकिंग आ जाती है, उसके फीलिंग और उसका बिहेवियर आ जाता है कि किस तरह से वो सब नेगेटिविटी, वो सारा प्रेशर उसके ऊपर भरा पड़ा है, उसको प्रेशराइज कर रहा है। तो सिस्टमिक काउंसलिंग थ्योरीज में आ जाता है कि वो उसकी ज़िंदगी को आसान किस तरह से बनाता है इन प्रॉब्लम्स वगैरह को दूर करके। होप सो आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड रिक्वेस्ट फॉलो दिस अकाउंट, दिस यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।